भरकद एक जंगली दरख्त का नाम है जो कि खारदार झाड़ी की सूरत में उगता है। मदीने का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का पहला नाम बकीउल गरकद इसलिए था कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकद की झाड़ियों का खित्ता हुआ करता था। गरकद दरख्त को अंग्रेजी में बॉक्सथोन कहते हैं और इसका यूनानी नाम लिसियम है। लिसियम की तकरीबन 70 अकसाम हैं, जिनमें से लिसियम सावी नामी किस्म मुतहिदा अरब अमारात में कसरत से पाई जाती है और यही किस्म मदीने मुनवरा में भी पाई जाती थी। ताहम पहले अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खत्म करवाया था और बाद में फिर सऊदी हुकूमत ने इसका मुकम्मल सफाया करवा दिया। ये दरख्त 4-5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 फुट ऊंचा होता है और इसे अरबी में अस्विज कहते हैं। यहूदी दुनिया भर में शजरे गरकद हंगामी बुनियादों पर काश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज की वीडियो में बात करेंगे इसी पुरसरार दरख्त गरकद की। यहूदी इसे क्यों मुकद्दस दरख्त कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरे गरकद के मुतालिक क्या फरमाया था और यहूदी किस लिए हर जगह शजरे गरकद लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूं आमना गुल। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम ना होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और फिर मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकद के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। नाज़रीन कराम, मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों खुसूसन यहूदियों ने इस्लाम की तालीमात को पढ़ा है, गौर व फिक्र किया है और उन पेशनगोइयों पर ज्यादा अमल किया है जो उन्हीं के ही खिलाफ है, क्योंकि यहूदी ये जानते हैं कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से निकलने वाला हर हर लफ्ज सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। और यही वजह है कि यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकद की काश्त में लगे हुए हैं, ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब जमीन की हर चीज पुकार पुकार कर कहेगी कि ए मुसलमानों, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, आओ और इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर उस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। इसराइली हुकूमत सरकारी सतह पर पिछले 40 सालों से गरकद की शजरकारी में मसरूफ है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इसराइल में करोड़ों गरकद के दरख्त लगाए जा चुके हैं और मजीद भी लगाए जा रहे हैं। नासरीन कराम, शजरे गरकद को दज्जाल का साथी भी कहा जाता है। यहाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि मकबूजा बैतुल मुकद्दस के जाफा दरवाजे के बाहर भी गरकद बड़े पैमाने पर लगाए जा चुके हैं, जहाँ रिवायात में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम तर बंजर अराजी पर गरकद की काश्त करने के लिए कसीर रकूम दी है, जिस मकसद के लिए भारतीय तंजीमें सिर्फ महाराष्ट्र में ही 5 करोड़ गरकद के पौधे लगाने का टारगेट पूरा कर रही हैं और राजस्थान में भी इतने ही गरकद के पौधे लगाए जाने हैं। लेकिन सबसे हैरान कन बात ये है कि गरकद दरख्तों की शजरकारी और काश्त ऐसे ममालिक में बड़े पैमाने पर जारी है जहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, जिनमें इंडोनेशिया है, मलाशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। इसराइल अब शजरे गरकद को कपड़ों पर भी मुनक्किश कर रहा है। गरकद दरख्त को मशहूर और आम करने के लिए एक कैफे प्रेस कंपनी ने गरकद के दरख्त वाली तस्वीर की टी शर्ट्स, मग, बटन, टोपियां और दीगर मसनूआत ऑनलाइन फरोख्त करना शुरू कर दी हैं, जिसे मुसलमान नौजवानों की भी बड़ी तादाद खरीद भी रही है और इस्तेमाल में भी ला रही है। ऑनलाइन फरोख्त होने वाली इन चीजों पे सेव द गरकद ट्री का लोगो होता है। हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात से आरास्ता होने के साथ साथ हालात हाजरा से भी वाकिफ रहें, अपने दीनों ईमान को बचाने के साथ साथ यहूदियों और दजाली फिरकों और फितनों से भी कुरान और हदीस की रोशनी में बचते रहें।
अगर आप चाहें तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।